ये क्या हो गया ब्रो? आप देख सकते हो काफी बढ़िया वाला क्रेज है, देखने में भी काफी मजा आ रहा है। बढ़िया क्रेज है यार। वेलकम यूट्यूब फैमिली, आप लोग देख रहे हैं स्मित पटेल के और एक नई वीडियो। सो आज एक और नया दिन और एक और नया व्लॉग। टाइमिंग की बात करो तो 3:26 हो रहा है। ओके, तो गुजरात में जो है हमारा जो फेवरेट फेस्टिवल है वो है उत्तरायण, मकर संक्रांति का। ओके, तो आज उसी की जो है हम बात करने वाले हैं इस व्लॉग में, और उसी की अभी तैयारी भी चल रही है। तो ये वाला जो है व्लॉग हम आपके डिमांड पे शूट कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने व्लॉग ये अपलोड किया था 1 ईयर पहले, 11 मंथ्स अगो। ओके, तो उसमें जो है 72K जो है मुझे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था, और उस व्लॉग में मुझे ज़्यादातर कमेंट्स यही थी कि इस बार भी जो है व्लॉग आप शूट करना। ओके, तो आपके लिए ये वाला व्लॉग भी जो है इस बार आ जाएगा। तब जो है मैंने लास्ट मोमेंट पर शूट किया था ये वाला व्लॉग, जैसे लास्ट मोमेंट पर मतलब कि लास्ट डे पे ही किया था, मकर संक्रांति वाले जो दिन है उसके पहले ही। बट इस बार हम जो है 3 डेज पहले जो है ये व्लॉग शूट कर रहे हैं, जिससे कि आपको जो है थोड़े दिन पहले आपको हमारा व्लॉग जो है देखने को मिल जाएगा। इस बार 2 दिन में ये 1 या 2 डेज में जो है ये अपलोड कर दूंगा ये वाला व्लॉग भी। और इस बार हम जो है काइट काफ़ी ज़्यादा लेके आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, बिकॉज इस बार जो है हमारा पूरा ग्रुप जो व्लॉग में भी आने वाला है, और साथ साथ में हम जो है पूरा ग्रुप जो है साथ में मिलके जो है वो दिन फेस्टिवल जो है इंजॉय करने वाले हैं, राइट? और सैम, इस बार जो है हमारे पास कौन से जो है अभी काइट्स है? इतने सारे काइट्स देख के आपको तो काफ़ी मज़ा आ रहेगा, बट हमें ही पता कि इतने सारे काइट्स को रेडी करने के लिए जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। बिकॉज इसे पूरा रेडी करने के लिए ये जो थ्रेड आती है उसे मतलब में इसे जो है किन्नर बांधना कहते हैं, कन्नार, राइट, कन्नार बांधना कहते हैं। इससे जो है पूरा रेडी करना होता है, और ये अराउंड जो है इस बार हमने परचेस किया 180, क्योंकि मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बता दिया कि इस बार जो है मेरा पूरा ग्रुप आने वाला है मकर संक्रांति के दिन, बिकॉज क्योंकि इस बार भी काफ़ी बढ़िया व्लॉग जो है हमें शूट करना है। ओके, तो जैसे इसमें मैं आपको 3 साइज जो है काइट्स में देखने को मिलती है, ये स्मॉल है, ये मीडियम वाली साइज़ है, और इसमें मतलब कि कलर वाले वेरिएशन और शेप में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये मीडियम साइज़ है, और ये वाली जैसे आप देख रहे हो ये लार्ज साइज़ है। इसे जो है गुजराती में पंजा बोलते हैं। ओके, और फिर की इस बार जो हमने रेडीमेड नहीं ली है, इस बार जो हमने पूरी जो है ये बनवाई है, ये जो है सैम की है, और ये वाली जो रेड है वो मेरी है, राइट। और डाई हज़ार बाम, और ये 1000, ये 1000 बाम है और ये 2500 बाम है। ओके, अभी कन्नर का प्रोसेस हम रेडी रखेंगे, तब तक के लिए आप जो है टाइम लैप्स इन्जॉय करो, और फिर थोड़ी देर में हम 4 o'clock या फिर 4:30 को हम जाएंगे काइट फ्लाई करने के लिए। ओके, तो आज से जो है हम हमारा व्लॉग का स्टार्टअप कर देंगे। तो चलिए, तो फिर अब टाइम लैप्स इन्जॉय करते हैं। ओके, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो अब जो है हम देखेंगे किस तरह आप जो है एक काइट को रेडी कर सकते हो फ्लाई करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्योंकि इस बार जो हम पूरा डिटेल में व्लॉग शूट करने वाले हैं, तो हमें सिखाएंगे सैम भैया। ये सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले जो है ये होल किया हुआ है, राइट, इस साइड ऊपर और ये नीचे, इतनी लंबी जो है पूरी आपको थ्रेड लेनी है, जैसे कि इधर से वहां तक, राइट। स्टेप में मैंने आपको जैसे दिखाया कि हमने जो है होल लगा दिया, सेकंड स्टेप में हमने जो है थ्रेड का जो है मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। ओके, और अब जो है स्टेप 3 देखेंगे किस तरह इसे जो है हम थ्रेड को जो है क्या बांध सकते हैं, गुजराती में जो है बांध सकते हैं, और जो है यूज किया जाता है हम मतलब कि जो काइट पे जो है थ्रेड जो है बांध देते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से।
फर्स्ट स्टेप आपने देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे जो आपको थ्रेड जो है टाइप करनी है आपके काइट पे, ओके। और फोर्थ स्टेप हम देखेंगे किस तरह आपको जो है ये मेन रोल है, ओके, काइट को जो है पूरा बैलेंस करेगा, वो यही करेगा। आपकी जो थ्रेड है परफेक्ट परफेक्ट मेजर होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, लाइक। और यहाँ पे आपको जो है वापस वो थ्रेड को जो है टाइप कर देना है अंदर इस तरीके से कुछ, यहाँ से लेके यहाँ परफेक्ट मैच होना चाहिए। उसके बाद ही जो है ये काइट पूरा बैलेंस होके और बढ़िया तरीके से जो है फ्लाई कर पाएगा, राइट। धनराज और सैम भी आ चुके हैं, और आज जो है डेट की बात करूं तो 13 है, ओके। कल जो है मकर संक्रांति है, हमारा कल जो फेस्टिवल है उसकी डेट कल है 14 को, ओके। तो आज हम क्या करने वाले इस व्लॉग में, ये दोनों ही जो हमारे प्लेयर्स है सैम और धनराज के बीच में जो वॉर होने वाला है, जो जिससे मतलब जो ज्यादा पैच कट करेगा, मतलब कि ये उनका एक पतंग से दूसरे पतंग को जो है पैच कट करेगा, जो ज़्यादा कट करेगा उसे जो है मैं आज जो है एक गिफ्ट दूंगा, राइट। और वो लास्ट में हम देंगे जो, और स्कोर भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। जनरली 2-2-3 जो है हम रूल्स रखने वाले हैं। एक रूल है, पहला रूल जो है वो है कि तुम दोनों जो है एक दूसरे का नहीं काट सकते, ओके। और सेकेंड रूल ये है कि जैसे इसने किसी का काटा और साथ साथ में इसका भी कट गया तो वो जो है नहीं गिना जाएगा स्कोर में। और थर्ड, वो रूल्स फिर बाद में बना लेंगे, अभी जो है स्टार्ट करते हैं। दोनों के ही पतंग जो है फ्लाई हो चुके हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये सैम का है पिंक वाला और ये धनराज का कट गया। और आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है फ्लाई कर रहे हैं पतंग, ओके, पूरा सामने ऊपर काफ़ी सारे, कल इससे भी ज़्यादा होंगे, बट अभी जो है स्टार्टिंग टाइम है, थोड़ी देर में जो है काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे भी जो है आ जाएंगे फ्लाई करने के लिए पतंग, ओके, ऊपर टेरेस पे। और इसका काफ़ी बढ़िया जो है फ्लाई होता हुआ, तो अभी जो है सैम पैच ले रहा है किसी के साथ, ओके, वो रहा उसका पतंग पिंक वाला। ये रहा उसका, और वो वाला वाइट सामने कॉम्पिटिटर, वो रहे सामने, और ये रहा हमारा प्लेयर। देखते हैं कि कौन सा प्लेयर जीतता है, हमारे वाले प्लेयर में दम है या नहीं। और एक प्लेयर तो इतना खतरनाक सर अभी तक जो है पता नहीं क्या कर रहा है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। उसका पतंग जो है काइट मतलब अटक गया है किधर, क्या हुआ भाई? क्या कटा नहीं उन लोग का, उन लोग का तो उधर है। आज विंड काफी बढ़िया है, और यहाँ पे धनराज ने भी जो है उसका काइट भी फ्लाई हो चुका है, ये जैसे कि आप देख रहे हो ब्राउन वाला इसका, और वो जो है उसका काफ़ी टाइम से जो है ऊपर ही है, और ये पैच अभी पैच लगने ही वाली है ब्राउन और जो ब्लू है उनके साथ। धनराज का एक बार तो कट चुका है, जैसे कि पहली बार आपने देखा था। ये मैच जो है हमारी ये अभी जो है 5 o'clock को स्टार्ट हुई है, 7 o'clock या फिर 6:30 तक जो है लास्ट रखेंगे, कितने 30 तक रखेंगे हम। और दोनों का स्कोर है अभी 0, 5 o'clock हुआ है, जैसे कि आपको एक बार दिखा देता हूँ, 4:59 हुआ है, ओके, 5 o'clock में 1 minute बाकी है। दोनों का अभी स्कोर जो है 0 है, उसका भी 0। मैंने दो काटी है, अभी नहीं गिनाएगा, अब से स्टार्टिंग है 5 o'clock से। अभी जो है गेम में एक वापिस ट्विस्ट आ चुका है, धनराज का सेकेंड टाइम जो है कट चुका है, प्लेयर अच्छा है बट आज उसका लक अच्छा नहीं है, तो अभी देखते हैं। दोरी अच्छी नहीं है, वो एक्सक्यूजेस निकालता रहेगा। अभी हमारा ये प्लेयर है, देखते हैं कि क्या करता है। वो ब्लू वाले से आई थिंक लगने वाली है, नहीं लगेगी पता नहीं क्या होगा वो, ये रहा। यहाँ पे जो है इसका भी कट चुका है, हमारे दोनों प्लेयर नकामे है आज तो। -1 अभी जो है दूसरे भी पतंग लेने के लिए आ चुका हूँ, अभी देता हूँ उन लोग को, अब देखते हैं कि अभी दूसरा अब क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तो -1 है दोनों के।
माइनस वन तो नहीं गिरेंगे हम, जितने कट करेंगे उतने ही ऊपर स्कोर अप ही करेंगे प्लस में। ओके देखते हो हमारा सैम जो है लुटनिया वो लूटने के लिए जा रहा है ऊपर, इतने सारे पतंग है फिर भी वो लूटने में क्या मजा है ब्रो। ये प्लेयर वन का जो है और एक माइनस टू, और अब इसका देखते हैं क्या होता है। येलो वाला धनराज का है, ब्लैक वाले से धनराज जो है पॉइंट वन प्लस है, और ये इसका तो पता नहीं चल रहा है नीचे। दो दो गई धनराज के, पॉइंट टू प्लस हो गए, अभी एक काटी दो और इसका भी चला गया, वो वाले भाई लेके गए। बोलो बोलो। तो अभी जो है प्लेयर वन के स्कोर जीरो, प्लेयर टू के स्कोर टू है। ओके प्लेयर वन का पता नहीं, कोई मेड ही नहीं आ रहा है तो इसका और एक बार गया, वो लड़के ने काट दिया। वो पहला ये तो कर दो, उत्तरायण 2023 का जो है वॉर है हमने रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसमें प्लेयर वन के जो है जीरो स्कोर है, अपडेट दे देता हूँ, और जो प्लेयर टू है उसके स्कोर टू है। ओके विथ प्रूफ के साथ, और अब दोनों ही जो है प्लेयर है हमारे रेडी हो रहे हैं ठुमका मारते मारते हुए। आप ये देख सकते हो ये वॉर काफ़ी खतरनाक होने वाला है मुझे ये लगता है, एक ही फ्रेम में चार से पाँच ही आप देख सकते हो, काइट फ्लाई हो रहा है और कितने सारे आज किसी का गया पीछे वाले ने, किसी ने कट किया तो, और किसी के पैच लगे हुए मुझे भी नहीं दिख रहा, इतने सारे जो है साथ में आ चुके हैं। टू ने और एक कट कर लिया, स्कोर थ्री स्कोर जीरो, प्लेयर वन के स्कोर टू है। ओके और प्लेयर टू के स्कोर फोर है। ओके प्लेयर टू के स्कोर फाइव दूर है। प्लेयर टू स्कोर सिक्स, माय गॉड धनराज काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ, और ये जो है प्लेयर वन के, प्लेयर वन स्कोर टू यस और स्कोर सिक्स। यहाँ पे जो है पोजीशन चेंज हो चुकी है, प्लेयर वन भी ऊपर आ चुके हैं, प्लेयर टू तो ऑलरेडी ऊपर थे, बट स्कोर में जो है प्लेयर टू काफी ज्यादा आ गया है, सिक्स और प्लेयर टू टू। हाँ मैं और एक बार बता देता हूँ, प्लेयर टू के सिक्स प्लेयर वन के दो, ये रहा प्लेयर वन का, और प्लेयर टू वो रहा सामने काफी दूर, और अभी फेस्टिवल तो है कल है, बट फिर भी जो आज क्रेज आप देख सकते हो काफी ज्यादा है। प्लेयर वन का वापस जो है कट चुका है, और प्लेयर टू अभी भी जो है चल रहे है। प्लेयर टू का स्कोर सेवन, प्लेयर वन के स्कोर टू, हमारा प्लेयर वन और एक पतंग जो है फ्लाई करता हुआ, और प्लेयर टू का अभी तक जो है कंटिन्यू है, बट उसने उतनी थ्रेड उतनी छोड़ दी है, दोरी इतनी छोड़ दी है कि उसे ही नहीं पता कि उसका पतंग कहाँ पे है। जब भी आप काइट फ्लाई करो तो उसके पहले जो है ये फिंगर पे ये जो टेप आती है डॉक्टर टेप, ये आपको जो है लगा देनी है फॉर योर सेफ्टी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो है कट जाती है इससे, लाइक ओए दिखा ना तेरा यहाँ कहाँ पे कट गया, या आप देख सकते हो ऐसे ये इंजरी आ जाती है, इसलिए ये गेम में जो इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। किसने पतंग नीचे चला गया, हाँ। और मेरे पैड ऐड कर दो, वो प्रूफ नहीं है, ए, ए, शमला, के है? है, मैंने भी नहीं देखा भाई, मैं काइपो है, मैं भाई नहीं व्यूअर्स नहीं मानेंगे यार ब्रो, व्यूअर्स ही पैसा आता है इधर तो, फिर प्री मकर संक्रांति है आज का, सिर्फ अब व्यू देख लो, सिर्फ यहाँ पे कितने ज्यादा आपको काइट देखने को मिल रहा है, मेन डेट जो है कल है, बट फिर भी आज जो है क्रेज देख सकते हो। काफी ज्यादा बढ़िया क्रेज है भीड़ों,
सभी जो है ऊपर है टेरेस। प्लेयर वन है ये। अरे हाँ सॉरी यार, यही गलती हो रही है। प्लेयर वन का जो है वो रहा पिंक वाला, और वो प्लेयर टू भी पिंक लेके आया। सेम ही पतंग ये दोनों चगाते है। ओहो हो, नहीं बट गिफ्ट एक ही मिलेगी। क्या सैम सही बात है? जो है ब्लर हो गया, सैम का गया वो रहा आप देख सकते हो। प्लेयर वन में कुछ लेने का ही नहीं है। क्रेज देख सकते हो आप सिर्फ। देखते हो प्लेयर वन और प्लेयर टू की जो है चॉइस सेम ही है। इसने भी ब्राउन कलर लिया और इसका भी आप देख सकते हो। अभी मुझे लगता है कि प्लेयर टू से कुछ तो आशा है कि कुछ स्कोर बढ़ेगा। और ये देख सकते हो कितने सारे ब्राउन है यहाँ पे। भाई चकवाड़े देखने में भी काफी मजा आ रहा है। जय ना 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 जोई जोई में यही रुझो जता थी। येलो कलर ना एक छे। प्लेयर वन स्कोर थ्री, प्लेयर टू स्कोर एट। यस यस यस। दूसरा भी काट दिया। प्लेयर वन स्कोर फोर, स्कोर फोर, स्कोर फाइव। प्लेयर वन स्कोर फाइव, प्लेयर टू स्कोर एट। मुझे लगी जा रहा था कि इस बार कुछ करेगा प्लेयर वन। दोनों सेम ही जगह पे आ चुके हैं। लग गई क्या ब्लैक वाले के साथ? ये ब्लैक चला गया। प्लेयर वन अब मुझे लगता है नहीं गांठेगा। सिक्स। और प्लेयर टू तो गुलाटी मारता हुआ। माय गॉड। प्लेयर वन स्कोर सेवन। प्लेयर दोनों प्लेयर्स पे कंपटीशन काफी खतरनाक हो गई। अभी 15 मिनट्स में स्कोर हिला डाला। एक बार स्कोर रिपीट कर देता हूँ। स्कोर सेवन, प्लेयर टू स्कोर एट। ओ माय गॉड, इक्वल भी हो गया 15 मिनट्स में। सब बदल दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। प्लेयर वन स्कोर 10 हो रहा है, नीचे जा रहा है आप देख सकते हो। प्लेयर टू स्कोर एट। प्लेयर वन देख सकते हो काफी फॉर्म में आ चुका है। अभी उसका पतंग जो है लंबोर्गिनी। ओ माय गॉड, प्लेयर वन स्कोर 11, प्लेयर टू स्कोर 8। जैसे टाइमिंग की बात करूं तो 5:43 हो चुका है। अभी थोड़ी देर और बाकी है। प्लेयर टू को कुछ करना है तो वो कर सकता है। और एक न्यू अपडेट दे देता हूँ। प्लेयर वन के जो है स्कोर 11, और जो उसका काइट है वो कट चुका है। अभी देखते हैं कि कुछ भी हो सकता है स्कोर में ऊपर नीचे। और हमारा प्लेयर टू का अभी भी जो है चल रहा है और स्कोर 8 हो गए। और एक मेंबर आ चुके हैं हमारे ग्रुप में। हाँ वो थक चुकी है, तुम भी आ जाओ साथ साथ में। मैं पानी पी रहा था तब प्लेयर टू ने जो है और एक स्कोर इंक्रीज किया हुआ है। प्लेयर टू के स्कोर जो है 9 है और प्लेयर वन फ्लाई हो चुका है उसका भी काइट। प्लेयर वन स्कोर 11 ओके। प्लेयर टू स्कोर 10 यार देख सकते हो काफी बढ़िया वाला क्रेज है। देखने में भी काफी मजा आ रहा है। बढ़िया क्रेज है यार। स्कोर 12, प्लेयर 1 और स्कोर 10 प्लेयर 2 के। प्लेयर 1 स्कोर 13, प्लेयर 2 12 स्कोर 12। और एक बार जो है स्कोर अपडेट कर देता हूँ। हाँ प्लेयर वन के 13 है ओके, और प्लेयर जो 2 है हमारा उसका 12 है। प्लेयर 2 का तो काफी दूर है और प्लेयर 1 का ये रहा पिंक कलर वाला आप देख रहे हो। और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वॉर में। अभी देखते हैं, थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, 30 मिनट्स है रिमेनिंग और स्कोर काफी जो है टक्कर वाला देने वाला है। प्लेयर वन ग्रीन वाले के साथ ले रहा है और वो उसकी पिंक। और प्लेयर वन का भी कट गया।
पोजीशन चेंज, प्लेयर वन का जो है कट चुका है और प्लेयर टू का है अभी। प्लेयर वन का जो पिंक वाला है ब्लू वाले के साथ लग चुका है और कट गया दोनों का। नहीं, नहीं उसका तो चक रहा है। प्लेयर वन स्कोर कितना है तेरा? 13 और इसका 12 पे विश्वास मत करना क्योंकि वो काफी जो है बीच बीच में फेंका मारता रहता है उस, वो हाँ जाटू है। दोनों प्लेयर्स के बीच में जो है लड़ाई हो रही है पोजीशन के लिए, हाँ जगह के लिए। प्लेयर वन ने जो है गोल्डन के साथ लगा दिया और चला गया। प्लेयर वन स्कोर 14, प्लेयर टू स्कोर 12। प्लेयर वन की जो है येलो के साथ लगी हुई है। ગાલી નહી બીપ મૂકી દેજે ને એટલે હું મારે બીપ જ સેટ કરી કરવાનું। પ્લેયર વન કા ભી કટ ચુકા હે હું વીટી લઉં ઉભો રહે ભાઈ 15 થઈ ગયા આપડી ઓર યહાં પે એક કા સોરી પતંગ કરતે હુએ ઉભો રહે। प्लेयर वन स्कोर 15, प्लेयर टू स्कोर 13। हाँ मतलब प्लेयर वन मतलब सैम और प्लेयर टू मतलब धनराज जो काफी बीच बीच में फेंका मार देता है। हाँ फेंका मार देता है। स्कोर 15-15, प्लेयर वन प्लेयर टू धनराज सैम दोनों के ही जो है स्कोर सेम है। आप देख सकते हो दोनों ही प्लेयर्स में जो है और यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ जो कि बढ़ने वाला था लेकिन धनराज पटेल ने मना कर दिया है। यहाँ पे सैम पटेल है 15, धनराज पटेल है 15 लेकिन उनको 15 नहीं चाहिए, उनको 14 चाहिए। तो उन लोगों को लग रहा है कि मैंने झूठ। हाँ ठीक है क्योंकि हम सबको लग रहा है एज यूजुअल धनराज पटेल अपनी फैकोलॉजी यहाँ पे भी चला रहे हैं जो कि नहीं चला रहे हैं। और स्कोर कितना है दोनों का अभी? स्कोर दोनों का 50-50 है लेकिन धनराज पटेल को 14 चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि उनकी मर्जी का हम दे देते हैं 14। हाँ फिर बाद में रोए ना। हाँ। दोनों ही प्लेयर के धनराज को 14 चाहिए तो धनराज को 14 और उसके 15। ओके जैसे टाइमिंग की बात करूँ तो 6:12 हो चुके हैं, विद इन 18 मिनट्स बाकी है। जो भी करना है 18 मिनट्स में होगा, उसके बाद जो है विनर अपॉइंट हो जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी और जो भी विनर होगा वो हम सबको पीएस में खाना खिलाने ले जाएगा। सॉरी हमने विनर पटेल के खाते में एक और पतंग आ गया है, उनका स्कोर बढ़ के आगा था इसलिए 15। भाई उतनी लंबी वीडियो मत बनाओ, 15 ठीक है। स्कोर 15 धनराज के, स्कोर 15 उसके, 15 दोनों सेम स्कोर पे है। अभी गेम काफी चैलेंजिंग होने वाली है बिकॉज अभी सिर्फ 17 मिनट्स बाकी है, कुछ भी करना है वो 17 मिनट्स में होगा कंफर्म। पढ़ते हुए धनराज के खाते में 16 हुआ है और सैम पटेल के खाते में 15 और 15 मिनट अभी बाकी है। लगता नहीं है कि प्लेयर वन से कुछ हो पाएगा अभी बिकॉज उसका एक भी पतंग जो है फ्लाई भी नहीं हो पा रहा है, देख सकते हो आप। तो ये क्या डोरिया कर रहा है ऊपर? क्या ये ये अभी डोरिया कर रहा है आप देख सकते हो गाइस। तो आप देख सकते हो बीच प्लेयर वन प्लेयर टू 16-16। अब देखते हैं, अब काफी रोमांचक मैच होने वाली है, अब देखते हैं कि क्या होगा। टाइमिंग कितनी मिनट्स? 13 मिनट्स। ये ब्लैक को काट दिया है प्लेयर वन ने। स्कोर प्लेयर वन स्कोर 17, प्लेयर टू स्कोर 16। स्कोर 18, प्लेयर वन उसका जो है काइट कट चुका है और ओए स्कोर प्लेयर टू स्कोर 16। अनबीटन तो आज के जो हमारे विनर है वो है सैम भैया, ये आप देख सकते हो। 6:30 हो चुकी है। स्कोर कितना है आज का? 18 और धनराज का स्कोर 16।
यस, और विनर ये आज शाम तक जो है मैं इसे गिफ्ट दे दूंगा। ओके, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू गाइस। पूरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना, और चैनल को भी जो आपको सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय। ये क्या हो गया ब्रो? इट्स कलर ब्रो। ये मरून कलर जो आता है इसका जो प्रिंट है, मतलब कलर जो है ये आपके हाथ में भी लग जाता है, इसके लिए जो ऐसा दिख रहा है। बट इसमें जो है कट्टे भी काफी ज्यादा है, कट्स काफी लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जो विनर रहेगा हमारे में, धनराज या फिर सैम, उसे जो है मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। ओके, तो मैं जो अभी पार्सल लेके आ चुका हूँ उसके लिए, वो गिफ्ट रैप किया हुआ है। ओके, तो ये उसे देंगे और उसका रिएक्शन भी कैप्चर करेंगे। वो नीचे आ चुका है तो लेट नहीं होना है। ओके, तो चलते हैं सीधा नीचे। ओके, बाय बाय। तो हमने जो है विनर को गिफ्ट दे दिया है, तो प्रूफ आ चुका है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ बता दिया। ओके, तो उसके कान में लगाने के लिए हमने उसे आदि योगी गिफ्ट दिया है। लड़ा लगा ही नहीं।